इंदौर में महिला के साथ शराब की दुकान पर छेड़छाड़ की घटना हो गई। वो दुकान पर शराब खरीदने गई थी। महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। घटना इंदौर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र की है। यहाँ एक निजी बैंक में कार्यरत महिला शराब की दुकान पर पहुंची और शराब खरीदने लगी। इसी दौरान वहां पर कुछ युवक खड़े हुए थे, तो उन्होंने शराब खरीद रही महिला के साथ छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दे दिया। इसके बाद महिला ने पूरे मामले की शिकायत लेकर राजेंद्र नगर पुलिस से की। पुलिस ने महिला की शिकायत पर प्रकरण दर्ज कर लिया है। दरअसल महिला शराब खरीदने के बाद जैसे ही अपनी कार में बैठी, दो युवक कार में आकर बैठ गए और चाकू की नोक पर उसके साथ अश्लील हरकत करने लगे। वहीं जैसे तैसे महिला ने अपनी जान बचाई। पुलिस ने घटना का सीसीटीवी फुटेज भी जब्त कर लिया है, जिसमें युवकों की हरकत साफ देखी जा सकती है। चौहित्राम की जो कलाली है, तो महिला ने आकर रिपोर्ट लिखाई है। बैंक कर्मी है महिला, उन्होंने आकर रिपोर्ट लिखाई है कि वो चौहित्राम की कलाली पर जब शराब लेने गए थे, तो चूंकि काउंटर्स बंद हो गए थे और वापस लौट रही थी, तो वहाँ जो खड़े हुए कुछ लोग थे, उनमें से दो लड़कों ने उन पर फक्तियाँ कसी और अश्लील उनके इशारे किए, और उसके बाद जो है थोड़ा सा आगे बढ़ के उनकी कार में भी बैठने लगे। फिर उनके द्वारा चिल्ला चोट मचाई गई कि आप मेरी कार में कैसे बैठ सकते, जिस पर वो लड़के वहाँ से भाग गए। और उन लड़कों ने उनका जो है वो मोबाइल भी निकाल लिया है, ऐसा उन्होंने आकर घटना बताई, जिस पर जो है मुकदमा दर्ज किया गया है।